नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट 17 कवर करा चुका हूं। और मैंने पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 17 में सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट यानी आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में आपको जानकारी दी थी कि उस सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इंग्लिश की लैंग्वेज में जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते हैं तब। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 18 और हम कंटिन्यू ही करेंगे सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। और मैं हमेशा की तरह अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 18, इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 18, सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट यानी आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य, इंपेरेटिव मूड यानी विध्यर्थक क्रियाएं, जरा और ठहरिए। तो इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। जब कोई गेस्ट हमारे यहां आता है फ्रेंड्स और जब वो जाने की जिद करने लगता है तो हम उससे कहते हैं कि जरा थोड़ी देर और ठहरिए, मींस प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बरेस मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। यह खुराक लो, टेक दिस डोज। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, कम विद मी। उचित समय पर प्रयास करो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जगह खाली करो, वैकेट द प्लेस। ख्याल मत करो, नेवर माइंड। जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग और माइंड योर वर्ड्स। जब होता है ना फ्रेंड्स कोई कुछ ज्यादा बोलने लगता है तो हम उससे कहते हैं भाई अपनी जुबान पर काबू रखो, यानी होल्ड योर टंग और माइंड योर वर्ड्स। संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज कीप इन टच। अब कोई रिलेटिव हमारे आता है फ्रेंड्स, जब वो जाने लगता है तो हम उससे कहते हैं भाई आप हमेशा हमसे अपना संपर्क बनाए रखिएगा, मींस ऑलवेज प्लीज कीप इन टच। अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। दिल खोलकर दान दे, डोनेट जेनरसली। कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं फ्रेंड्स और हमें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है तो हम सहायता मांगते हैं आसपास वाले लोगों से कि कृपया मेरी सहायता करें, तो मींस प्लीज हेल्प मी। सावधानी से काम लो, बी केयरफुल। जरा हाथ लगाना, लैंड बी अ हैंड प्लीज। कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स हमारी फैमिली में हमारी मदर या फादर कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी कभी वो हमें बुलाते हैं भाई जरा हाथ लगा देना, मींस लैंड मी अ हैंड प्लीज। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम किसी चीज को समझाते हैं फ्रेंड्स किसी दूसरे व्यक्ति को, हम उससे कहते हैं भाई इसे समझने की कोशिश करो, मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 18, जिसमें मैंने आपको सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट यानी आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य, जिसमें इंपेरेटिव मूड यानी विध्यर्थक क्रियाएं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तब। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि मेरे इस प्रयास से आपको सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। और ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, पर अगले लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि जो आगे मैं इंग्लिश के लेसन्स या टॉपिक्स में आपको समझाऊं वो इतने सिंपल, इजी और एफिशिएंट वे में हो जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए, आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए
और आप अपनी सोसाइटी और किसी बड़े पर्सपेक्टिव में इंग्लिश में फ्लुएंटली कन्वर्सेशन कर पाएं किसी सामने वाले व्यक्ति से। तो आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।